देखिए यहाँ पर मैंने अपने फोन में रक्षा कवच ऐप को डाल दिया। मैं इसे क्लिक करके खोलता हूँ, यहाँ पे लिखा था रक्षा कवच, एक कदम सुरक्षा की ओर। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर ऐप का नाम लिखा हुआ है, सामने में लिखा हुआ है वर्जन 2.3। वर्जन का मतलब होता है कि कौन कौन से नए नए वर्जन आए हैं, उसमें पुराने वर्जन की दिक्कतें, कमियां और प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। अभी चल रहा है 2.3 वर्जन। उसके बगल में यहाँ पे आपको मेन्यू का बटन दिखता है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मेन्यू में आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड दिख रहा है। अगर आपको आपको पासवर्ड अपना चेंज करना हो, यही वो पासवर्ड है जिसकी मदद से ऐप को ट्रैक किया जा सकता है, लोकेशन निकाला जा सकती है और भी बहुत सारे कमांड है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। यही वो पासवर्ड है जो कि आपके काम आने वाला है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ और डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे चेंज नहीं करूंगा। यहाँ पे लिखा है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 1 और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 2। यहाँ पे आप दो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अपने घर के, अपने फैमिली फ्रेंड के, दोस्त के डाल सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी मोड में ये आपके काम आता है। कैसे काम आता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका मेंबरशिप स्टार्ट का डेट और मेंबरशिप एंड का डेट, यानी कि आपने ऐप को कब ज्वाइन किया था और आपका ऐप कब एक्सपायर होगा। अगर आपने कुछ चेंज किया हो तो सबमिट पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं इसको। मैं अभी बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर होम सबसे ऊपर यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे लिखा है आप और आपका मोबाइल दोनों सुरक्षित हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है रक्षा कवच और नीचे लिखा है रक्षा कवच ऐप इज रनिंग फाइन। और अगर ये आ रहा है इसका मतलब आपका ऐप चल रहा है। जब तक चाहे आप ऐप को बंद भी कर देंगे तो भी आपका हटता नहीं है। देखिए ये अभी भी यहाँ पर है, ये कभी नहीं हटता है। अगर ये नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये कि आपका ऐप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत या कोई कमी आ गई है, तो उस टाइम आपको इसको ठीक करना होता है। अब यहाँ पे होम स्क्रीन में सबसे ऊपर दिख रहा है शेयर ऐप टू हेल्प योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इस पे क्लिक करके आप इस ऐप को अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी इस ऐप के बारे में जान सके। अब यहाँ पे नीचे आपके अलग अलग तरह के कई सारे मोड्स दिए गए हैं, जिन मोड्स को मैं आपको एक एक करके अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको टोटल मिला के 22 प्लस मोड्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं, जिनको मैं आपको एक एक करके अभी सारे टेस्ट कराऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे है आपका इमरजेंसी स्पीड अलर्ट मोड। इस मोड को मैं ऑन करता हूँ। जैसे ही इस मोड को ऑन करेंगे यहाँ पे देखिए आपके नोटिफिकेशन बार में एक और यहाँ पे देखिए आ गया है, ये भी हटता नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ 0 किलोमीटर पर आवर। कितनी आपकी स्पीड है, आप बाइक पे हैं, आप कार पे हैं, जहां चल रहे हैं पैदल, तो आपकी स्पीड यहाँ पे ये बदलती रहेगी। 0 है अभी, ये घटती बढ़ती रहेगी आपके हिसाब से। अब ये मोड क्या है और ये मोड कैसे काम करता है, इसे आप कह सकते हो एक्सीडेंट अलर्ट मोड। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं, आप या कोई और बाइक से या कार से घर से निकला है, लेकिन रास्ते में उसके साथ में कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके घर के लोग जान भी नहीं पाते हैं, कई बार उनको हेल्प भी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर ये मोड ऑन है और एक्सीडेंट होता है तो ये आपके घर वालों को अपने आप मैसेज कर देगा कि इस व्यक्ति के साथ में इस जगह पर कोई प्रॉब्लम हुई है। साथ में आपके फोन से जो इमरजेंसी नंबर आपने डाले हुए थे यहाँ पे, उस पर कॉल भी लग जाएगा, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है उसकी लोकेशन में मिल जाएगी। ये मोड कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी, बस, ट्रेन या जिसमें आप बैठे हो बाइक के ऊपर, वो गाड़ी बहुत झटके से रुकती है तो ये मोड ऑन हो जाता है। अगर आप 60 की स्पीड में है और आप ब्रेक लगाते हैं तो आपको कम से कम लगता है 5 सेकंड, 10 सेकंड लगता है गाड़ी को रुकने में। लेकिन मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है और झटके से मात्र 1 सेकंड के अंदर रुक गई है, इसका मतलब कोई दुर्घटना हुई है, और ऐसे मोड टाइम पे ये मोड आपका ऑन हो जाता है और आपके घर वालों को कॉल भेज देता है, मैसेज भेज देता है। अगला है आपका पब्लिक चार्जिंग मोड। ये मोड कैसे काम करता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस मोड को हमने ऑन कर दिया है, अब मान लीजिए आप बस, ट्रेन, मेट्रो या कहीं पर भी गए हैं, या फिर आप किसी ऑफिस में ही बैठे हैं और आपने अपना फोन चार्ज में लगा दिया है। मान लीजिए मेट्रो में आपका फोन चार्ज में लगा हुआ है, आप बगल में बैठे हैं और कोई चाहता है या कोशिश करता है कि आपके फोन को चार्जिंग से निकाल करके लेके वो भाग जाए, चोरी कर ले, तो जैसे ही वो आपके फोन को चार्जिंग से बंद करेगा, चार्जिंग से निकालेगा, आपका फोन बहुत तेज साइरन करने लग जाएगा और जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। तो आइए मैं आपको ये मोड टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब मेरा चार्जिंग मोड भी ऑन है, मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ है। अब जैसे कोई मेरे फोन को चार्जिंग से निकालने की कोशिश करेगा, देखिए जैसे ही निकाला मेरे फोन में साइरन स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पे आप चाहेंगे कि मैं फोन का आवाज कम कर दूं, आवाज कम करने पर भी आपका आवाज कम नहीं होगा। जब तक आप अपने फोन को लॉक करके फोन का पासवर्ड ना डाल दें तब तक ये आपका बजता रहेगा। अब जाके मेरा ये चार्जिंग मोड बंद हुआ है। तो इस तरीके से काम करता है आपका पब्लिक चार्जिंग मोड, मैं इसे अभी बंद कर देता हूं। उसके नीचे है आपका डू नॉट टच मोड। ये मोड किस लिए काम आता है, अगर मान लीजिए आप कहीं पे गए हो, घर में ही या फिर कहीं और, आपने अपना फोन कहीं पे रखना है और आप चाहते हैं आपका फोन कोई ना छुए, तो क्या करेंगे आप, इस मोड को आपको ऑन कर देना है।
एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये मोड इसलिए बनाया गया है ताकि आप फोन कहीं पर रख के छोड़ दें और अगर उसके बाद कोई फोन को छुए तो बजना शुरू हो जाएगा। तो इस मोड को अगर आपके फोन में हाथ में फोन है तो नहीं चालू करना है, पहले आप फोन को टेबल पर रख दें या कहीं भी जहां पे आप रखना चाहते हैं वहां पे रख दें और फिर आप इस मोड को ऑन कर दें। अब देखिए मेरा फोन कहीं पे रखा हुआ है और ये मोड ऑन है। अब जैसे ही कोई मेरा फोन छुएगा हिलाएगा, देखिए ये देखिए जैसे मेरा फोन मैंने हिलाया तो ये जो हमारा बजना स्टार्ट हो गया है, यानी कि मैं दोबारा इसको पहले की बार मैं इसको बंद कर लेता हूँ। देखिए यानी कि अगर आपका फोन कहीं पर रखा हुआ है और आपके फोन को उठाता है या लेने की कोशिश करता है तो आपका ये मोड उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आता है। अगला है आपका बैकग्राउंड कॉल का मोड। ये मोड क्या है और कैसे काम करता है? सबसे पहली बात तो इस मोड को आपको इसको ऑन करके रखना होता है हमेशा ही, ताकि आपकी सेफ्टी काम आ सके। अब मान लीजिए कि आपके पापा जी, मम्मी जी, भाई बहन कोई भी घर के बाहर गया है या दोस्ती घर के बाहर गया है, 2-3 घंटे हो गया, बहुत टाइम हो गया, वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं और आप सुनना चाहते हैं कि वो कहाँ पर है, या हो सकता है कि वो बाइक चला रहे हो और वो फोन ना उठा पा रहे हो, लेकिन आपके मन में जो है डर पैदा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है ये बैकग्राउंड कॉल मोड काम करता है। अगर ये मोड बंद है तो ये काम नहीं करेगा, अगर ये ऑन है तभी ये काम करता है। अब ये मोड कैसे काम करेगा आपको दिखाता हूँ। आप किसी भी दूसरे फोन से लिख के भेजेंगे कॉल स्पेस पासकोड स्पेस 10 अंक का एक नंबर, उस नंबर पे अपने आप कॉल बैक आ जाएगा इनके फोन से और आप सुन पाएंगे वो कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि मेरे इस वाले फोन में रक्षा कवच ऐप है और बैकग्राउंड कॉल मोड ऑन है और मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ और मेरे घर में किसी के पास ये वाला फोन है। अब क्या करना है, देखिए आपको मैसेज बॉक्स में जाना है, इस फोन के यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है, नया मैसेज लिखना है आपको और जो इनके फोन में जो भी नंबर वो नंबर आप यहाँ पे डाल दे। मैं यहाँ पे जो है नंबर डाल देता हूँ, देखिए अब मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया है और आपको यहाँ पे जो मैसेज जो लिखना है आपको यहाँ पे लिख के भेजना है कॉल CALL कॉल स्पेस पासकोड, जो इनका जो पासकोड यहाँ पे लिखा रहता है प्रोफाइल के अंदर, ये पासकोड यहाँ पे आपको डाल देना है। मैंने कॉल लिखा स्पेस पासकोड, स्पेस देके लिखा मैंने पासकोड, जो मेरा पासकोड है स्पेस देके लिखना है आपको 10 अंक का कोई एक मोबाइल नंबर, जो मेरे इस वाले फोन में जो नंबर है मैं वो नंबर डाल लेता हूँ। इसका मतलब क्या कि जो कॉल स्पेस पासवर्ड स्पेस जो नंबर डालेंगे उस नंबर पे इनके फोन से अपने आप कॉल लग जाएगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको, मैंने कॉल स्पेस पासवर्ड लिखा स्पेस मैं इसी मोबाइल का नंबर डाल लेता हूं ताकि मैं सुन पाऊं कि कॉल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका मैं नंबर डालता हूं। अब देखिए मैंने लिखा कॉल स्पेस पासकोड स्पेस 10 अंक का मेरा मोबाइल नंबर जो कि मेरे इसी मोबाइल में लगा हुआ है और ये मैंने लिख के भेजना है उस फोन पर जिस फोन से मेरा कॉल नहीं उठाया जा रहा है, जिस फोन में रक्षा कवच है। जैसे मैं यहाँ पे लिख के भेजूंगा देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ पे ये जो है लिख के भेजा और यहाँ पहुंचते ही देखिए क्या हुआ, मेरे इस वाले फोन को मैंने छुआ भी नहीं और इस फोन से अपने आप कॉल यहाँ पे आ गया है। देखिए मैं कॉल को उठाऊंगा, मैं इसका आवाज जो है बढ़ा देता हूँ, आवाज देखिए यहाँ से बढ़ जाएगा, आवाज यहाँ से बढ़ गया है और ये देखिए आवाज अब यहाँ पे सुन सकते हैं कि जो भी व्यक्ति जिनके फोन अच्छा कवच होगा उनको आप लाइव सुन सकते हैं वो कहाँ पे है क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये बैकग्राउंड कॉल मोड काम करता है। बैकग्राउंड कॉल का सीधा सा मतलब ये कि आपका जो है बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं कि इसके ऊपर रक्षा कवच है वो कहां पर है क्या कर रहा है क्या प्रॉब्लम है, ऐसे टाइम पे आपका जो है ये काम आता है। तो आप समझ गया बैकग्राउंड कॉल क्या होता है। अगला है आपका सिम चेंज सिक्योरिटी और ये भी आपको हमेशा ऑन रखना होता है। इसका क्या फायदा है, जैसे मान लीजिए आपका फोन चोरी हुआ या किसी का फोन चोरी हुआ, अगर उस फोन में चोर कोई सिम बदल करके कोई नया सिम डालता है तो नया सिम डालते ही आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके फोन में सिम बदला गया है, किस जगह पर चोर ने या किसी व्यक्ति ने सिम बदला है वो लोकेशन आ जाएगी आपको और आपको उसका नंबर भी मिल जाएगा। आपको इतना मिल गया, बाकी चीज़ तो आप कर ही सकते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप चोर की लोकेशन और उसका जो नंबर उसने डाला है फोन के अंदर वो आप ले सको। अगला है आपका पॉकेट मोड। पॉकेट मोड कैसे काम करता है ये मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पॉकेट मोड बहुत खास है, मैं समझा देता हूँ आपको फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपने पॉकेट मोड को ऑन कर दिया है तो देखिए लिखा गया है पॉकेट मोड इज ऑन। पॉकेट मोड का क्या काम होता है, अब मान लीजिए आप बस, ट्रेन, मेट्रो या कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में चढ़ रहे हैं और आपने अपना फोन जेब में रखा हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि चोर आपकी जेब से या कोई अनजान व्यक्ति आपके जेब से फोन निकाल के चुरा करके भागने की कोशिश करता है। ऐसे कंडीशन पे अगर आपका पॉकेट मोड ऑन है और आपका फोन आपके जेब में है, जैसे ही कोई आपके जेब से फोन को निकालेगा पॉकेट मोड बहुत तेज आवाज करना शुरू कर देगा और चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। अब मैं आपको ये मोड अभी कुछ टाइम बाद टेस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि पहले मैं पूरा वीडियो बना लेता हूं।
मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। नीचे है आपका रीस्टार्ट सिक्योरिटी मोड, इस मोड को भी आपको आपकी मर्जी ऑन करना या नहीं, वैसे इसको आप ऑन कर सकते हैं। अगर ये मोड ऑन है, ये मोड क्यों है, क्या है, तो क्या मतलब है, जैसे ही कोई चोर आपके फोन को चुराता है तो पहली बात ये कि वो फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए कि आपके फोन में बैटरी कम हो, 1% 2% या 5% बैटरी हो, या फोन चोरी हो गया, कोई भी रीजन हो, फोन आपका स्विच ऑफ हो गया, ऐसे केस में मान लीजिए कि चोर आपके फोन को जैसे ही स्विच ऑन करेगा यानी कि रीस्टार्ट करेगा, रीस्टार्ट करते ही जो जो चोर का जो लोकेशन होगी, एग्जैक्ट लोकेशन, या फिर जो उसके फोन में नया वाला सिम लगा हुआ होगा, दोनों ही के दोनों आपके इमरजेंसी नंबर पे आपको मिल जाएंगे। देखिए जो आपने यहाँ पे दोनों नंबर डाले हुए हैं उन पे आपको जो है फोन जैसे आपका ऑन दोबारा होता है उसकी लोकेशन कहाँ पे ऑन हुआ है और उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही काम का मोड है, अगर आपको ऑन करना हो तो कर लो, अगर आप खुद भी फोन को रिस्टार्ट करोगे या ऑन करोगे तो ये मोड आपका चालू हो जाएगा और आपको लोकेशन भेज देगा। तो ये मोड ऐसे काम करता है। अगला है आपका यूएसबी सिक्योरिटी मोड, और इस मोड को भी आपको हमेशा ऑन रखना होता है, और इसका क्या काम है मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि आपका फोन चोरी हो गया, चोर आपके फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकता, अगर वो रिस्टार्ट करेगा तो पकड़ा जाएगा, हर कंडीशन में वो यहाँ पे फंस जाता है। तो क्या करता है, वो जाता है दुकानदार के पास, मोबाइल ठीक करने वाले के पास, कि भैया इस फोन का पासवर्ड जो है वो हटा दो, पासवर्ड को तोड़ दो, पासवर्ड को ब्रेक कर दो। तो उस कंडीशन में अगर आपका यूएसबी सिक्योरिटी मोड ऑन है तो कोई भी दुकानदार या भी कोई भी अनजान व्यक्ति आपके फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और कनेक्ट करेगा भी तो वो आपके पासवर्ड तोड़ने का जो फंक्शन होता है ये मोड उसको बंद कर देता है। तो ये मोड भी आपको हमेशा ऑन रखना होता है। अब है आपका अगला मोड जो है वो है आपका इमरजेंसी मोड और एक इमरजेंसी कॉल मोड। ये दोनों मोड मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के मेंबर, आपकी वाइफ, आपकी माता या फिर आपकी बहन जो भी घर के बाहर गई हुई होती है, अब मान लीजिए कि चार लोग उनका जो है पीछा कर रहे हैं, या दो लोग उनके सामने आगे खड़े हो गए, उनका फोन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, वो किसी प्रॉब्लम में है या फिर आप ही किसी प्रॉब्लम में हो और आप ना ही फोन को देख सकते हो, ना ही कॉल उठा सकते हो, ना ही कॉल लगा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन में जिस फोन में रक्षा कवच ऐप है, मान लीजिए कि वो आपके जेब में है या किसी पॉकेट में है या फिर कहीं पे रखा हुआ है, आप सिर्फ 6 बार जो ये आपका बटन होता है, ये पावर का बटन, इस बटन को आप 6 बार दबा देंगे तो अपने आप बिना कुछ किए आपके इस वाले फोन से जो आपके इमरजेंसी नंबर डले हुए थे आपके यहाँ पे, देखिए प्रोफाइल के अंदर दोनों इमरजेंसी नंबर, दोनों पे आपका कॉल लग जाएगा, एक पे कॉल लग जाएगा आपका पहले नंबर पे, और वो आपको सुन पाएंगे आपके घर के व्यक्ति कि आप कहाँ पर हो, साथ साथ दोनों ही नंबर पे आप किस जगह पर हो, साथ में इमरजेंसी का मैसेज, लोकेशन, कैमरे से फोटो, फोन में कितनी बैटरी बची है, सब वहाँ पहुंच जाएगा। और अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब देखिए जिस फोन में रक्षा कवच है मैं इसमें दिखाता हूँ, मैंने जो है इस वाले फोन का नंबर डाल दिया है, ये देखिए, और अब मैंने सबमिट कर दिया है, मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ, देखिए मैं क्या करूँगा, इवन पावर बटन दबा के स्क्रीन को लॉक किया, 1 2 3 4 5 6, जैसे ही मैंने 6 बार दबाया, देखिए अपने आप मैंने कुछ भी नहीं किया आपके सामने, देखिए इस वाले नंबर से इस वाले फोन पे देखिए अपने आप कॉल भी आ गया है, कॉल भी लग गया है, और आप कॉल उठा के सुन सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कहाँ पर है, क्या कर रहा है, और हर चीज को आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मोड काम करता है। और सिर्फ कॉल ही नहीं गई है, बल्कि मैं आपको इस फोन का मैसेज बॉक्स खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने मैसेज बॉक्स खोला, ये देखिए मेरे नाम से अभी इस नंबर पे देखिए मैसेज आ चुका है, मैं एक बार इसको अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया है, आई एम इन एमरजेंसी, हेल्प मी नाउ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मदद करो, लोकेशन, जो जहाँ भी ये फोन रहेगा, जहाँ भी आपके घर के मेंबर रहेंगे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बिना इंटरनेट के आपके पास पहुँच जाएगी। मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस पर खोला मैंने इसको, और अब मैं यहाँ पे देखिए लोकेशन खोल रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर भी आपका ये फोन रहेगा वो लोकेशन हमारे पास यहाँ पे देखिए खुल रही है, कुछ सेकंड में खुल जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। ये देखिए बिल्कुल जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऑफिस की लोकेशन जो हमारे यहाँ पे खुल के आ चुकी है, बिल्कुल रोड के साइड में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारा ऑफिस है यहाँ पर। तो ये देखिए पूरा आपका लोकेशन विद एड्रेस यहाँ पे खुल के आ चुका है। सिर्फ लोकेशन नहीं आई है, कॉल भी आई, लोकेशन भी आई, प्लस आई है बैटरी 45%। मेरे फोन में आप ध्यान से देखेंगे आपको दिख रहा होगा 45% बैटरी बची हुई है, वो बैटरी यहाँ पे आ गई है। सिर्फ बैटरी ही नहीं, सिर्फ लोकेशन नहीं, सिर्फ कॉल नहीं, यहाँ पे इस फोन के कैमरे से फोटो खींच करके यहाँ पहुंच गया। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो इनकेस अगर आपके घर के मेंबर, भाई बहन, माता पिता कोई प्रॉब्लम में है और उनके कैमरे से चोर की फोटो भी खींच के आपको आ सकती है, वो भी आपकी बहुत हेल्प होगी। तो ये देखिए हमारा फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसकी फोटो खींच करके हमें यहाँ पहुंच चुकी है। तो ये है आपका इमरजेंसी मोड, इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी मोड का मतलब लोकेशन प्लस फोटो, और इमरजेंसी कॉल का मतलब कॉल भी जाती है। और ये दोनों मोड आपके हमेशा ही ऑन रहते हैं, इसे आप बंद नहीं कर सकते। फिलहाल मैं इस फोन की स्क्रीन को जो यहाँ पे बैक कर लेता हूँ।
अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ अगला है आपका, देखिए ट्रैक लोकेशन का मोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकेस दिन के भर में रक्षा कवच हो, आपको ट्रैक करना हो कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है और वो आपको कॉल ना उठा रहे हो, तो आप किसी भी फोन से बिल्कुल सही सुना आपने, आप एक मैसेज करिए, देखिए उनके नंबर पे जिनके फोन रक्षा कवच ऐप है, मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, आप मैसेज में लिख के भेजना है लोकेशन, देखिए लोकेशन लिखा, स्पेस जोन का पासकोड था, पासकोड क्या था 1110 पासकोड है मेरे वाले ऐप का, मैंने यहाँ पे लिख के पासकोड, आप अपना अपना सेट कर सकते हैं, जैसे ही मैं लिख के भेजूंगा देखिए यहाँ मैसेज आएगा और यहाँ से अपने आप लोकेशन तुरंत यहाँ के यहाँ आ जाएगी आपके सामने सब कुछ है, देखिए ये देखिए जैसे यहाँ मैसेज पहुंचा यहाँ पे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, हेलो माय करंट लोकेशन इज हियर, यू कैन चेक ऑन गूगल मैप्स, और ये हमारी लोकेशन आ चुकी है, अब इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ये आपका ट्रैक लोकेशन का मोड। अगला है आपका रॉन्ग पासवर्ड अलर्ट का मोड, अब मान लीजिए कोई चोर या कोई अनजान व्यक्ति आपका फोन ले जाता है, या कई बार आपका दोस्त या घर का ही कोई मेंबर आपका फोन लेता है और वो आपके फोन को खोलने की कोशिश करता है, जैसे ही कोई आपके फोन में दो बार गलत पासवर्ड डालता है और अगर उस फोन में रक्षा कवच ऐप है तो रक्षा कवच ऐप उसकी फोटो खींच करके किस जगह पर यह घटना हुई, किस जगह पर आपके फोन में पासवर्ड गलत डाला जा रहा है उसकी लोकेशन लेकर के आपके जो इमरजेंसी नंबर है, मैंने ये बड़ा डाल रखा यहाँ पहुंच जाएगी, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मान ली कि आपने अपना फोन अपने दोस्त को दिया और वो आपके फोन में गलत पासवर्ड डालता है, देखिए मैं डालकर दिखाता हूँ आपको, ये हमने गलत पासवर्ड डाल दिया पहली बार और ये हमने गलत पासवर्ड डाल दिया दूसरी बार, जैसे ही दो बार आपने कंप्लीट हुआ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, देखिए आपके सामने यहाँ मैसेज आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, दोबारा गलत डाला, ये देख लीजिए आपके सामने मैसेज आ चुका है, समवन ट्राइड टू अनलॉक योर फोन, किसी ने आपके फोन को खोलने की कोशिश की है, उसकी लोकेशन, उसके फोन में कितनी बैटरी बची है और उनके कैमरे से फोटो खींच करके यहाँ पे आ गई है, मैं आपको फोटो खोल के एक बार दिखा देता हूँ, तब तक मैं इस वाले फोन को अनलॉक करके कर लेता हूँ। तो ये है आपका रॉन्ग पासवर्ड अलर्ट मोड, जो कि आपके फोन को गलत पासवर्ड डालने वालों की फोटो खींच करके आपको अलर्ट करता है। अगला है उसके बाद आपका रिमोट रीसेट मोड, और ये मोड क्या है, कैसे काम करता है आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि आपका फोन चोरी हो गया, खो गया या नहीं मिल रहा है, और इनकेस आपने सब कुछ ट्राई कर लिया आपका फोन तब भी नहीं मिला और चोर आपका फोन ले गया है, आपको लगता है कि आपका फोन को ले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फोन में जो डाटा है, जो फोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है, जो ईमेल आईडी है आपका, जो आपका बैंक अकाउंट वगैरह खुला हो, जो पेटीएम खुला है, जो फोनपे खुला है, बहुत सारी चीजें होती है आज के टाइम में अपने फोन में, अपने पर्सनल फोटोज भी होती है, तो आप चाहते हैं मेरा फोन चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे फोन में जो डाटा है मेरा, सारा का सारा जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो मेरा बच जाए, तो उस टाइम में काम आता है आपका रिमोट रीसेट मोड। हालांकि मैं इसे आपको टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा फोन इससे बिल्कुल ही रीसेट हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे आप लिख के भेजेंगे यहां से रीसेट स्पेस पासकोड, आपका पूरा का पूरा फोन मात्र 25 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा फोन आपका क्लीन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, जितने भी ऐप है, जितने मोबाइल नंबर है, जितना सब कुछ है, सब खत्म हो जाएगा और आपका फोन सेफ हो जाएगा। अगर है आपका लॉक डिवाइस का मोड, इनकेस आपने अपना फोन अनलॉक करके पासवर्ड खोल के अपने किसी दोस्त को दे दिया है और वो आपके फोन को एक्सेस कर रहा है, आपके फोन को खोल रहा है, आपके फोन में बहुत सारी चीजों को देख रहा है और आप चाहते हैं मैं फोन को लॉक कर दूं ताकि जब तक आप दोबारा पासवर्ड डालेंगे नहीं वो खोल नहीं पाएगा। अब मान लीजिए आपने अपने फोन को दे दिया, अपना दोस्त को दे दिया अपना फोन, मैंने लिख के भेजा यहाँ से लॉक स्पेस पासकोड, और अगर उनके जिस फोन में आपने लिख के भेजा उनके फोन रक्षा कवच ऐप है तो लिख के भेजते वो फोन अपने आप लॉक हो जाएगा, देखिए आपके सामने ये देखिए जैसे मैसेज वहां पहुंचा फोन आपका लॉक हो गया। अब जब तक आप अपने फोन का लॉक खोल के देंगे नहीं आपका दोस्त या घर का कोई मेंबर आपके फोन को चला नहीं पाएगा। तो ये था आपका लॉक डिवाइस का मोड। अगला है आपका रिंग का मोड। रिंग का मोड का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि आपका फोन आपके घर में कहीं खो गया है, आप ऑफिस के लेटे रहे हो, आपका फोन बस में, ऑफिस में, घर में, रास्ते में कहीं भी गिर गया, आपका फोन नहीं मिल रहा है, अंधेरे में कहीं गिर गया है, रात का टाइम है, उस टाइम पे काम आता है आपका रिंग मोड। आपने लिख के भेजा देखिए रिंग RING रिंग स्पेस पासकोड, जो उनका पासकोड है जिनके फोन में भी है, जैसे लिख के भेजा देखिए आपके सामने ये आपका रिंग मोड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहा है आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है बहुत तेज, आपके फोन का जो ये लाइट है ये बहुत तेज जल रहा है, आवाज बहुत तेज कर रहा है, ये है आपका रिंग का मोड। इस टाइम में कोई आपके फोन को यहाँ से बंद भी नहीं कर सकता, आपका फोन बंद भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, आप देख सकते हो कुछ भी करेगा नहीं हटेगी, और ना ही आपके फोन का आवाज को कम किया जा सकता है, देखिए आवाज भी कम नहीं हो सकता है। तो ये है आपका रिंग का मोड। अब आप लिख के भेजेंगे यहाँ से स्टॉप,
मैंने लिख के बजाय स्टॉप स्पेस पासवर्ड, और अब जाके मेरा ये रिंग मोड ऑन ऑफ हो गया। तो इस केस में हमारा आता है आपके रिंग मोड आपका फोन को ढूंढने में, खो जाए तो मिलने में, या फिर कहीं भी अंधेरे में गिरा हुआ। तो अगला है आपका ट्रैक का मोड। अब मान लीजिए कि आपका फोन खो गया है, आपने फोन की लोकेशन तो निकाल ली, पर लोकेशन में साफ दिख नहीं रहा है फोन किस मकान में है, किस बिल्डिंग में, कहां पे गिरा हुआ है। आप लिख के भेजेंगे ट्रैक स्पेस जो आपका उनका जो जिस फोन में रखा उसका पासवर्ड। जैसे आपने लिख के भेजा ट्रैक स्पेस पासवर्ड, उनके फोन की एग्जैक्ट लोकेशन उनके फोन के फ्रंट कैमरे से फोटो खींच करके यहां पहुंच जाएगी। इसका क्या फायदा है? अब मान लीजिए कि आपका फोन कहीं गिर गया है, नहीं मिल रहा है, आपने लोकेशन निकाल ली, पर लोकेशन में दिखता नहीं कि फोन किस घर में है, किसके हाथ में है, किस जगह पर है, लेकिन अब आपको फोटो भी मिलेगी और आप फोटो में देख पाओगे फोन किस जगह पर गिरा हुआ है, कहां पर गिरा हुआ है, ताकि आप अच्छे से जाके फोन को ढूंढ पाओ। अब देखिए मैंने ट्रैक स्पेस पासवर्ड यहां से लिख के भेजा है, यहां पे आया है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा यहां पे वेट करता हूं। ट्रैक स्पेस पासवर्ड लिख के भेजा, ये देख लीजिए आपके सामने यहां पे लिखा रहा है लोकेशन ट्रैकिंग मोड इनेबल्ड, लोकेशन आ गई, साथ में इस फोन के कैमरे से फोटो खींच करके यहां पे आ गई है। मैं खोल के दिखाता हूं आपको। इसका ये फायदा है कि फोन कहां पे है, किस जगह पे है, किसके नीचे है, किस बस के नीचे है, वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि हमें यहां पे दिख रहा है कि हमारा फोन जो है यहां पे एक कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस जगह पे काम आता है। अगला है आपका बैक कैमरा पिक्चर मोड। ये कैसे काम करता है? अब मान लीजिए कि आपने अपने फोन को ट्रैक किया और फोन आपका जो कहीं पे गिरा हुआ है, आपका फोन ऐसे पड़ा हुआ है, फोन रास्ते में कहीं पे पड़ा हुआ है, तो इस केस में आपको दिखाई नहीं देगा कैमरे के सामने कौन है, क्या है, कौन चोर है, नहीं है। तो इस केस में काम आता है आपका बैक कैमरा का मोड। बैक कैमरे से जो है बैक कैमरे से फोटो खिंचवा करके मंगा सकते हैं। ये देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, मैं लिख के भेजता हूं बैक कैमरा स्पेस पासवर्ड। छोटे में भी लिख सकते हैं, बड़े में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने लिख के भेजा, देखिए, और इस फोन के बैक कैमरे से देखिए फोटो खींच करके वहां पहुंच जाएगी। मैं फोन को थोड़ा सा ऊपर यहां पर उठा लेता हूं। ये देखिए हमारा ये मोड कंप्लीट हुआ और यहां पे आपके सामने देख लीजिए लिखा गया है, आई है बैटरी आ गई है, और कितना जो यहां पे देखिए कैमरे से फोटो खींच करके वहां पहुंच चुकी है। मैं खोल के दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ये है हमारे बैक कैमरे की फोटो। तो इस तरीके से काम आता है आपका बैक कैमरा का मोड। अगला है आपका ट्रैक बैटरी का मोड। इनके साथ आपको ट्रैक करना हो कि जिनके फोन में रक्षा कवच चाहता है, उनके फोन में कितनी बैटरी बची हुई है, तो आपका ये मोड काम आ सकता है। आपने लिख के भेजा है ट्रैक स्पेस पास, सॉरी आपने लिख के भेजना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ भी देखिए क्या लिख के भेजना है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं आप क्या है कैसे है। आप लिख के भेजेंगे बैटरी स्पेस पासवर्ड जो है उनका वो पासवर्ड, और कितनी बैटरी बची वो हमें यहाँ तुरंत की तुरंत यहाँ पे जो है मिल जाएगी। देखिए आपके सामने ये देखिए बैटरी इन योर मोबाइल इज 43%, हमारे यहाँ पे देखिए इतनी बैटरी बची हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ये आपका ट्रैक बैटरी का मोड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बहुत ही काम के मोड, मैं इस फोन को यहाँ पे हटा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका ये ट्रैक बैटरी का मोड था। अगला मोड है आपका यहाँ पे डिसेबल स्विच ऑफ का मोड। ये मोड भी आपका हमेशा ही ऑन रहता है। इसका क्या फायदा है? अब मान लीजिए आपका फोन चोरी हुआ, चोर ने आपके फोन को ले लिया और वो चाह रहा है कि मैं फोन को स्विच ऑफ कर लूं, लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, अगर आपके फोन में रक्षा कवच ऐप डला हुआ है और आपका फोन लॉक हो रखा है तो आपका फोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता। देखिए मैं करके दिखाता हूं, मैं यहां पे बटन दबाता हूं आपके सामने, देखिए ये है पावर बटन, दबा के रखता हूं मैं, स्विच ऑफ करने का फंक्शन ही हट जाता है इस मोड के ऑन होने के बाद। अगर आपको स्विच ऑफ करना है तो आप पहले अपने फोन का पासवर्ड डाल के फोन को खोलिए और अब आप दबाइए इस बटन को, अब आपका फोन स्विच ऑफ हो सकता है। तो ये बहुत ही काम का मोड है। इनके अगर आपका फोन चोरी भी हुआ, किसी ने ले भी लिया, तो वो आपके फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा जब तक कि बैटरी ना खत्म हो जाए। अगला है आपका किल ऐप का मोड। कई बार मान लीजिए क्योंकि देखिए ऐप है, सॉफ्टवेयर है, कोई ना कोई दिक्कत या कमी आ सकती है, बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसलिए डाला गया है किल ऐप का मोड। आप किसी फोन से लिख के भेजेंगे किल स्पेस पासवर्ड, लिख के भेजते ही जो आपका ये ऐप रनिंग में होगा, कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या आ रही है आपको, जैसे आप लिख के भेजेंगे किल स्पेस पासवर्ड, ये पूरा का पूरा ऐप जो है कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए कंप्लीटली बंद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा इसे खोलना होगा तब जाके चालू होगा। तो ये है किल ऐप का मोड। अगला है आपका डिसेबल अनइंस्टॉल का मोड। ये मोड भी आपका हमेशा ही ऑन रहता है, और अगर ये मोड ऑन है तो आपका फोन जो है ऐप जो है आपके फोन से अनइंस्टॉल भी नहीं हो सकता है। चाहे कोई कंप्यूटर से कनेक्ट कर ले, लैपटॉप से कनेक्ट कर ले, या वो चाहे खुद भी चाहे कि मैं अनइंस्टॉल कर दूं, तो आपका जो ऐप है वो अनइंस्टॉल नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी ऐप में करेंगे तो हो जाएगा। तो ये आपका अनइंस्टॉल भी नहीं होगा, इंस्टॉल कर दे भी देंगे तो अपने आप दोबारा आ जाएगा ये। तो जब तक आप सेटिंग में जाकर के सब कुछ कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, तब तक ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। ये सारे थे आपके मोड्स।
अब मैं आपको दिखाना चाहूँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे एक और मोड दिया गया है, वो है आपका बैकअप डाटा का मोड। इनके साथ आपका फोन खराब हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपने बैकअप डाटा पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ गए हैं, PDF और VCF। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने PDF पे क्लिक किया, आपके फोन में जितने भी मोबाइल नंबर है A to Z सारे के सारे और जितने आपके फोन में मैसेज है सबका बैकअप बन जाएगा, उसे आप किसी को भेज सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए सिर्फ 15 सेकंड में मेरा पूरा का पूरा फोन जो है, जितने भी नंबर है, जितने मैसेज है, सब बैकअप हो जाएंगे। देखिए बैकअप हो रहा है, मैं थोड़ा सा वेट करता हूं। और बैकअप में आपके पास दो ऑप्शन है, एक PDF का है और एक VCF का। देखिए बैकअप हो गया, मैं यहाँ पे WhatsApp पे भेजता हूँ किसी को, मैं देखिए मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को भी जो है वहाँ पे भेज देता हूँ। मैंने भेजा और मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, मैं भेजूंगा नहीं, मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए आपके फोन के जितने भी नंबर हैं सबका बैकअप हो गया, देख लीजिए जितने भी आपके फोन में मोबाइल नंबर है सबका बैकअप आपके पास यहाँ पे हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगा नंबर नहीं, ये आपके सारे सारे जो मैसेज है उन सबका बैकअप हो गया है। तो ये आपका बैकअप डाटा का मोड, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है ये आपके लिए, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये था आपका बैकअप डाटा का मोड। अब मैं एक बार और बैक कर लेता हूं, मैं वापस से बैकअप डाटा पे क्लिक करता हूं, यहां पे आपके सामने एक और ऑप्शन है VCF। अगर आपने VCF पे क्लिक कर दिया है तो जो आपका जो तो कई देखिए PDF अगर आपने किसी को भेजा है तो वो सिर्फ देख सकता है, वो उसको अपने फोन में सेव नहीं करा सकता। लेकिन अगर हम अपने VCF पे क्लिक करके WhatsApp पे शेयर कर दिया तो कोई भी उस पर क्लिक करके अपने फोन में सारे नंबर को एक बार में सेव करा सकता है, उस पर क्लिक करेगा तो नंबर सेव हो जाएंगे। तो ये है आपका VCF का मोड, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगला है आपका कैप्चर्ड इमेजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन से अब तक कितने कैमरे से फोटो खींचे गए हैं, डेट वाइज सारे फोटो यहाँ पे दिखते हैं। थोड़ा यहाँ पे खुलने में टाइम लग रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वरना आपके सारे नंबर यहाँ पे दिखते हैं। मैं बैक कर लेता हूँ, जितने भी आपके फोन में फोन से फोटो खींचे गए सारे दिखते हैं। अगला आपका ज्वाइन टेलीग्राम, यहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है आपका डिसेबल एडमिन का, इनकेस अगर आपको अपने फोन से ऐप को हटाना हो तो ऐप इजीली नहीं हटता है, आपको दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए ये मोड डाला गया है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका फोन जो है वो जो ना हटने की जो सेटिंग होती है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप ऐप को अनइंस्टॉल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये ऑन है तो आपका ऐप अनइंस्टॉल नहीं होगा आसानी से। अगला है आपका ऐप लॉक का मोड, अगर आपने ऐप लॉक पे क्लिक किया और इनेबल पे क्लिक कर दिया, अब देखिए अब आपका ऐप लॉक लग गया है। कई लोग कहते हैं कि अगर हम मान लीजिए हमने अपना फोन दोस्त को दिया, उसने मेरा पासवर्ड देख लिया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए डाला गया है ऐप लॉक का मोड। अब आपने अपने फोन को लॉक कर दिया है, अब अगर मैं अनलॉक कर लेता हूं, अब देखिए जैसे मैंने अनलॉक किया कह रहा है अपना पासवर्ड डालिए। अब जब तक आप पासवर्ड डाल के आगे नहीं बढ़ते तब तक आपके जो ऐप है वो कोई खोल नहीं सकता है। तो जो आपका ऐप का पासवर्ड आप यहाँ पे वो डाल दीजिए, मैं अपना जो पासवर्ड यहाँ पे डाला तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और ये हट गया है। तो ये है आपका ऐप लॉक का मोड, अगर आपने ऑन कर दिया है तो आपको ऐप खोलने से पहले आपका पासवर्ड मांगेगा, तभी आप ऐप के अंदर यहाँ पे आ पाएंगे, कुछ सेटिंग वेटिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आपका ऐप आपसे सेफ रहेगा। तो ये था आपका ऐप लॉक का मोड। नीचे है आपका प्राइवेसी पॉलिसी, से खोल करके आप प्राइवेसी पॉलिसी को देख और पढ़ सकते हैं। ये आपका पूरा यहाँ पे खुल गया, मैं बैकअप बैक कर लेता हूँ। अगला है आपका शेयर ऐप का, आप शेयर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट एंड हेल्प का है, यहाँ पे कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, कौन सा वर्जन है आपके डिवाइस का, मॉडल कौन सा है, टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है। मैं इसे बैक कर लेता हूँ, दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ। अगला यहाँ पे आपका ऐप गाइड का फंक्शन है, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा रहा है अपनी भाषा को चुनिए, तो यहाँ पे इंग्लिश है, आप इसे हिंदी भी कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी किया है तो आपके बारे में यहाँ पे क्या खुल के आ गया है, यहाँ पे आपका देखिए जितने भी इस ऐप में मोड दिए गए हैं हर मोड की डिटेल जानकारी यहाँ पे लिखी है, जैसे कि आपातकालीन गति चेतावनी, जब यह मोड, इसके बारे में आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये मोड क्या है, आपको किसी को समझाना हो तो उस टाइम पे ये मोड आपके काम आते हैं। तो यह है आपका ऐप का FAQ सेक्शन, जहाँ पे हर मोड के बारे में प्रॉपर जानकारी दी गई है, जिसे आप पढ़ करके ऐप के बारे में समझ सकते हैं, अगर आपको वीडियो से या बताने समझ में ना आ रहा हो तो, या किसी को जानना भी ये मोड क्या है तो यहाँ पे आप देखते हैं हर मोड के बारे में, यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी यहाँ पे सारी आपको दी गई है। सबसे ऊपर यहाँ पे आपके सामने है हाउ टू फिक्स ऐप प्रॉब्लम, अगर आपने इस बॉक्स पे क्लिक कर दिया है तो आपके जैसे यहाँ पे खुला हुआ वैसे आपके सामने खुल के आ जाएगा, और ऐप में क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या दिक्कतें लोगों को आ रही है और कैसे उसे ठीक करना है, उसकी आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती है। ये था आपका ऐप गाइड का मोड। और नीचे है लॉगआउट करने का मोड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है वो लॉगआउट हो जाएगा, दोबारा आपको अपनी ID और पासवर्ड डालनी पड़ेगी ऐप खोलने के लिए। यह आपका पूरा कंप्लीट ऐप का डेमो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।